कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है, जिससे देश में कोरोना के पेशेंट्स बढ़ गए हैं, जिससे निपटने के लिए सरकार ने लोगों से भी इसके बचाव के लिए हिदायतें जारी कर दी हैं। इसी कड़ी में रेलवे ने भी इससे बचाव के लिए कमर कस ली है, जिसमें सबसे पहले रेलवे ने रेलवे स्टेशन पर कोरोना के बचाव के लिए एक दुकान खोल दी है, जिसमें अगर कोई यात्री मास्क, सैनिटाइजर आदि लाना भूल आए तो दुकान से खरीद कर ले जा सकते हैं। इसके लिए रेलवे विभाग ने एक प्राइवेट फर्म को दुकान दी है, जिसमें वो ये सामान बेचेगा। रेलवे विभाग का मानना है कि इससे जहां कोरोना से बचाव होगा, वहीं लोग बिना मास्क के चालान से भी बच सकेंगे। पिछले साल भी कोरोना इसी माह फैला था और अब फिर से कोरोना फैलना शुरू हो गया है। बता दें कि रेलवे ने पिछले साल ही ट्रेन का संचालन बंद कर दिया था, फिर बाद में कुछ ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू किया गया। हालांकि अभी ट्रेन का संचालन पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जितनी ट्रेन चल रही है उससे यात्रियों को कुछ राहत मिल रही है। अभी लगने ही लगा था कि कोरोना देश से पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से देश में पैर पसार लिए हैं और मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है, जिसे देखकर सरकार ने फिर से एहतियात बरतने के लिए लोगों से अपील की है। रेल का संचालन फिर से बंद ना हो, इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर एक दवा के नाम से दुकान खोल दी है, जिसमें सैनिटेशन से रिलेटेड सभी सामान मौजूद है, जिससे काफी हद तक कोरोना से बचाव हो सकेगा। स्टेशन निदेशक बीएस गिल ने बताया कि रेलवे कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है, जिसमें समय समय पर अनाउंसमेंट कर यात्रियों को हिदायतें दी जा रही हैं, साथ ही बिना मास्क के लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने एक नया सिस्टम भी शुरू किया है, जिसमें एक प्राइवेट फर्म को स्टेशन परिसर में एक दुकान किराए पर दी है, जिसमें वो सैनिटेशन से रिलेटेड सामान बेचेगा, जिससे भी काफी हद तक कोरोना से बचाव किया जा सकेगा। वहीं रेलवे स्टेशन परिसर पर खुली दवा नामक इस दुकान में सैनिटेशन से रिलेटेड दुकान में रेलवे की हिदायत के मुताबिक रेट लिस्ट भी लगाई हुई है, जिससे सामान खरीदने वाले को कोई परेशानी ना हो। दुकान पर बैठे रॉबिन ने बताया कि बढ़ते कोरोना में मास्क व सैनिटाइजर जरूरी है, जिसे सरकार ने भी जरूरी कर दिया है। इसी सामान से रिलेटेड ये दुकान खोली है, जिसमें रेट रीजनेबल है। सर, मेरा नाम रॉबिन सिंह है और सर, कोरोना टाइम में अभी मास्क और सैनिटाइजर जरूरी हो गए हैं और हमें सैनिटाइजर मास्क लेना जरूरी भी है और रेलवे स्टेशन पे अभी ये मैंडेटरी हो गया है, हर जगह मैंडेटरी हो गया है और हमें मास्क भी लेना जरूरी है और यहाँ पे सेल्स का अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ट्रेन में तो रेगुलर अनाउंसमेंट की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, मास्क पहन के रखें, अपना जो है यात्री अपनी जो सेफ्टी के लिए खुद अपना ध्यान दें। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक नया एक सिस्टम शुरू किया अंबाला कैंट यूटीएस एरिया में, एक स्पेशल दवा सेवा के नाम से हम लोगों ने एक शॉप खोली गई है, जिसमें सैनिटेशन के रिलेटेड सारा मटेरियल अवेलेबल है और जिसमें कि आपके मास्क, सैनिटाइजर, ये पीपी किट वगैरह सब उपलब्ध है और एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं दवा सेवा के नाम से। ये एक प्राइवेट फर्म है, हमने तो उनको अपना मतलब एनुअल रेंट पे दिया गया है, स्पेस दी गई है, उन्होंने अपनी दुकान को टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है और उसी पे ये सारा कुछ हो रहा है। नहीं, नॉर्मल रेट्स जो नॉर्मल कंपनी के प्रिस्क्राइब रेट्स हैं, जो शेड्यूल्ड रेट्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हैं, वही उसी पे दिया जा रहा है। स्टेशन एरिया में एक तो रेगुलर अनाउंसमेंट की जा रही है ताकि यात्रीगण सारे थोड़ा अपने आप को सेफ फील करें। और ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।